जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। एक अन्य आतंकी हमले में बारामूला जिले में 6 नागरिक घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज तड़के कश्मीर संभाग के पुलवामा के टिकन क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। अभी भी वहाँ सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। CRPF की 182वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके में साझा मोर्चा चला रहे हैं। आशंका है कि इलाके में अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह भेजा है ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों को आज तड़के टिकन गांव में आतंकियों के मौजूदगी की खबर मिली। इसके बाद वहां सर्च अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों से खुद को घिरता देख आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी रुकने के बाद सुरक्षा बलों को वहाँ 3 आतंकियों के शव मिले हैं। उनकी पहचान अभी होना बाकी है। सुरक्षा बल वहाँ सर्च अभियान जारी रखे हुए हैं। आशंका है कि कुछ और आतंकी हो सकते हैं। तो बने रहें इनकाउंटर न्यूज़ पर।